दोस्तों, आप सब लोगों ने कभी ना कभी अश्वमेघ यज्ञ के बारे में सुना होगा। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में और पुराने सनातन धर्म की किताबें हैं उसमें अश्वमेघ यज्ञ का जिक्र मिलता है। कहीं ना कहीं आपने भी पढ़ा होगा, जब आप 10वीं तक की पढ़ाई करते हैं, CBSE या किसी और राज्य सरकार की किताबों में इस चीज़ का जिक्र है कि अश्वमेघ यज्ञ हुआ करते थे हिंदू धर्म के अनुसार। तो अश्वमेघ यज्ञ कैसा होता, तो ऐसे ही उत्तर भारत के देहरादून क्षेत्र में विकासनगर नाम की एक जगह है और वहीं पर एक जगत ग्राम नाम की जगह है जिसका बोर्ड पीछे लगा हुआ है। और हम लोग काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए, रोड कच्ची सड़क थी, बिल्कुल बगीचों के बीचों बीच एक जगह मिली है जिसे यहाँ के लोकल लोग राजा रानी के महल के नाम से जानते थे। असल में राजा रानी का महल नहीं था, ये किंवदंतियाँ थी, लेकिन जब उसकी खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब उसकी खुदाई की तो यहाँ पर मिला हमारा अश्वमेघ यज्ञ का एक बहुत बड़ा यज्ञशाला था यहाँ पे, और करीबन 3 यज्ञशाला मिली है। तो अश्वमेघ यज्ञ के जो नियम थे वो तो आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता था जो राजा की सुपीरियोरिटी को दिखाने के लिए किया जाता था, और जो छोटे राजा होते थे उसमें उसको टैक्स दिया करते थे बड़े राजाओं को, तो जो सम्राट जिसको बोला जाता है, राजाओं के भी राजा सम्राट होते थे। तो इस तरह शील वर्मन जो सम्राट थे, अपने आप को सम्राट घोषित करने के लिए उन्होंने 4 यज्ञ किया था, और 4 यज्ञ की जो वेदिकाएँ हैं वो खुदाई के दौरान, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई हुई थी उसके दौरान ये 4 में से 3 वेदिकाएँ मिली हैं जिसका 1900 साल पुरानी यहाँ पे ईंटें मिली हैं, जिसका कार्बन डेटिंग किया गया तो 1900 साल पुरानी ईंटें निकली इसके अंदर से और वेदिकाएं निकली एज इट इज़ जहाँ पे किया जाता था। तो ये अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है वो मैं आपको बताऊँ। अश्वमेघ यज्ञ में यज्ञ का घोड़ा पूजा पाठ करने के बाद, उसमें यज्ञ करने के बाद ऋषि मुनि, बहुत सारे ऋषि मुनियों को देश के कोने कोने से बुलाया जाता था और यज्ञ होता था। यज्ञ करने के बाद घोड़ा चारों दिशाओं में छोड़ा जाता था, तो जहाँ जहाँ घोड़े जाते थे साथ में एक सेना की टुकड़ी भी जाती थी ताकि घोड़ा जहाँ तक जा रहा है उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई उसे रोकता है तो उसे माना जाएगा कि राजा का, सम्राट का विरोध हो रहा है, और विरोध हो रहा था या तो युद्ध करके सम्राट को अगर कोई हरा देता है तो उसके बाद वो राजा जो होगा वो यज्ञ करेगा और अपनी जो सुपीरियोरिटी साबित करेगा, या फिर उस राजा का अश्व अपने यहाँ से जाने देगा ताकि उस राजा को का अधीनता वो स्वीकार कर पाए और उसके अंडर में रह के वो टैक्स भर पाए और अपना राज्यकाज अच्छे से चला पाए। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी पहले, तो उसी की वेदिकाएँ, 3 वेदिकाएँ यहाँ पर मिली है, और उसकी चीज़ें जब आगे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर खुदाई के दौरान मिला है। पहाड़ी आप जो देख रहे हैं वो मसूरी रेंज और जॉर्ज माउंटेन रेंज है। वहाँ से अभी कैमरे में छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा पर्वत है सामने, और ये पूरा थोड़ा जंगल का इलाका है सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं। यहाँ से पानी बह के और ये नदियों में, नदी के रास्ते, नालों के रास्ते, सारा नदी नाला कल भर रखा था लेकिन अभी थोड़ा साफ हुआ है, कहीं कहीं से धाराएँ निकल रही हैं, बट पानी ठीक ठाक है, काफ़ी ज़्यादा है। साफ साफ लिखा हुआ अश्वमेघ यज्ञ वेदी स्थल जगत ग्राम बाड़वाला देहरादून 6.3 किलोमीटर है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जब आप आए तो जैसे ये बोर्ड दिखेगा ना आपको जगत ग्राम जाने के लिए, तो आपको राइट वाला जो मैंने बताया सीधे तो चला जाएगा कलसी की तरफ, और राइट लेंगे तो जगत ग्राम आ जाएगा। तो हम लोग जगत ग्राम जा रहे हैं वहाँ पर। तो इस मेन रास्ते को छोड़ के यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे एक तिराहा है और बोर्ड भी लगा है जगत ग्राम जाने के लिए, 1.5 किलोमीटर और बचा हुआ है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। 1 किलोमीटर और रह गया है इधर ही, और इस बोर्ड को भी
ये देखिए ऐसी ऐसी जगह पे हमें जाना है। अब ये देखिए रास्ता कुछ ऐसा है, बिल्कुल आराम से चलना है। अब बोर्ड में ये देखिए ये दो रास्ते जा रहे हैं, अब किधर जाना है ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग 500 मीटर के चक्कर में हम लोग घूमते रह जाएं। तो पहले हम लोग राइट हैंड साइड वाले में जाते हैं, फिर आएंगे, अगर नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, वैसे भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, लेकिन हम लोग इसी रास्ते चलते हैं। आप ऐसी जगह पे आते हो बिल्कुल जहाँ पे रोड नहीं है, रोड नहीं है। देखिए यहाँ पे चिड़िया हैं, देखिए कई सारी चिड़िया हैं, वो देखिए मुझे पता नहीं किस टाइप की है, बट ये देखिए छोटी छोटी ना यहाँ पे घर बन रखे हैं। और मैं ज़्यादा साउंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए बिल्कुल नेचुरली देखिए चिड़िया भी है उसके अंदर, और किसी प्रकार की पक्षी है, बिल्कुल पहाड़ी पक्षी। देखिए कितना अमेजिंग है, देख रहे हैं चिड़िया, और बिल्कुल सुनहरे कलर की है चिड़िया। मैं आपको मोबाइल से शूट करता हूँ थोड़ा ना जूम करके। देख रहे हैं आप प्रकृति का यह दुर्लभ नज़ारा। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरीके का घोंसला भी देखा है चिड़ियों द्वारा बनाया गया। वैसे मैंने हमेशा डिस्कवरी में देखा था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। दोस्तों कैन यू इमेजिन, ये चारों तरफ आम के बाग हैं, यहाँ देखिए चारों तरफ घना आम का बाग है पूरा। और एक कार वाला यहाँ से जा रहा था, हमने उससे पूछा तो उसने बताया ये जो बाउंड्री हो रखी है यहाँ पे, देखिए छोटी सी बाउंड्री है यहाँ पे, और इसको घेर के यही है वो यज्ञ स्थल। तो यहाँ पे बोर्ड लगा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो यहाँ से सीधा घुसने के बाद ये बोर्ड्स मिलते हैं जहाँ पे आप पता करते हो क्या था कैसे था। यहाँ पे तीन, असल में टोटल चार यज्ञशालाएँ मिली थी, जिसमें से तीन ही अभी खुदाई के दौरान मिला है, और यहाँ पे ये पाथवे बन रखा है वहाँ तक जाने के लिए, और अश्वमेघ यज्ञ हुआ था ये सब कुछ। तो इसे पूरा पक्कीकरण का काम किया गया है, ताकि होता क्या था जब लोग आते थे देखने के लिए तो कुछ ईंटों को उठा के अपने घर ले जाते थे, तो क्या किया है सरकार ने, इसे बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे पक्का करके उसको, जो जहाँ था एज़ इट इज़ वहाँ पे जितनी वेदिकाएँ थी वहाँ पे एक आप गड्ढा सा देख रहे हैं, वो असल में यज्ञ की आहुति देने के लिए जो बनता है गड्ढा वहाँ पे, जो लकड़ी वकड़ी रख के जो यज्ञ किया जाता है वो जगह है। और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं अपनी आँखों के सामने, यही वो वेदिकाएँ हैं जो जहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ हुआ था। और इस तरीके से सरकार ने बहुत अच्छा यहाँ पे एक वॉच टावर भी देखिए मेरे ठीक ऊपर है, यहाँ से चढ़ के आप जब आप चढ़ेंगे तो एक ईगल व्यू मतलब गरुड़ की एक व्यू में आकार में इसे बनाया गया था उस समय में। तो ये सारा, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बड़ का और पीपल का एक वृक्ष है, काफ़ी विशाल है, देखिए कैमरे में भी सोचिए इतनी दूर से भी काफ़ी विशाल आ रहा है। और इसकी जड़ें देखिए, ये वेदिकाएं देखिए कैसा होगा उस समय का, ये देखिए ये वेदिकाएं देखिए, उस समय की ईंटें देखिए, सोचिए 1900 साल पहले ये ईंटें हैं, 1900 साल पहले की। ये वो पेड़ है, काफ़ी पुराना है, कम से कम 200-300 साल पुराना तो है ही है, इसकी जड़ें लताएं देख के ऐसा लगता है। दूसरी जो वेदिका है वो इधर है, पहली वहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है, ये खुदाई के दौरान ऐसा मिला। देखिए उस समय ये जितने जो जगह हैं यहाँ पर ऋषि मुनि बैठ के और इस तरीके का मंत्रों का उच्चारण करते होंगे, और अश्वमेघ यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता था, और चारों तरफ से हिमालय की जो शिवालिक रेंज है उससे घिरा हुआ है ये क्षेत्र देखिए। और आप विकास नगर जब आप आते हैं तो वहाँ पे एक जगत ग्राम करके एक गांव है छोटा सा, और उसी में बिल्कुल यहाँ पे बाग बगीचे हैं, और उस बगीचे के बीचों बीच यहाँ पर ये जगह है जो वेदिका है, अश्वमेघ वेदिका यहाँ पे मिली थी खुदाई के दौरान। तो यहाँ जो यज्ञ की वेदिका है उसको अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे एक टावर बना हुआ है, आइए चलते हैं इसके ऊपर।
ये ठीक ठाक ऊंचाई पे है, करीबन ज़मीन से मेरे ख्याल से 20 मीटर के आसपास ऊंचा है, 20 या 30 मीटर। और यहाँ से देखिए ये पूरा जो व्यू है, नज़ारा देखिए वेदिका का कैसा होगा, और कितने ऋषि मुनि यहाँ पे ये किए हैं यज्ञ उसका यहाँ पे। तो यहाँ इतने ऊंचे आने के बाद जो प्रकृति का जो नज़ारा सामने देखिए, पूरी शिवालिक रेंज यहाँ से ठीक ठाक दिखती है। और यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो ये ईगल व्यू में ये बना हुआ है वेदिका। देखिए ये देखिए यहाँ पे जो पंख होता है ईगल का, उसके हिसाब से ये बना हुआ था। तो मेरे जैसे और आप लोगों के जैसे जितने भी अपने इतिहास से प्यार करते हैं, अपने भारतीय होने पर गर्व करते हैं, तो ये चीज़ें हमारी गर्व करने लायक हैं कि इतनी साल पुरानी हमारी सभ्यताएं हैं। और जो अश्वमेघ यज्ञ का जिक्र हमारे पुराणों में और पुराने स्क्रिप्चर्स में मिलता है सनातन धर्म की, वो चीज़ ये जगह प्रूव करती है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग यहाँ तक पहुँचें, इसे देखें समझें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपना प्यार, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं आप सब से अलविदा चाहूँगा। आप सब लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।